और कितनी देर लगाओगे तुम, आ भी जाओ। रेडी नहीं हो रहा। आप ही थोड़ा सबर भी कर लिया करें, इतनी भी क्या जल्दी है, बेड से उठकर ऐसे ही आ जाता। आपकी फ्रेंड क्या सोचती है, आत्मा का भाई कितना चंपू है, सारी मेरी स्मार्टनेस का बेटा गिरा हो जाता। ओए होए होए, कितना तुम्हें गुरूर है अपनी स्मार्टनेस पे। बाय द वे, अभी भी चंपू ही लग रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, आओ चले। कहाँ जा रहे हो? तो जाहिर है आप ही को ड्रॉप करने। नहीं, इस वक्त तुम गाड़ी लेके कहीं नहीं निकल रहे हो। थोड़ी देर में मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, घर की ग्रोसरीज बिल्कुल खत्म हो गई है। तो फिर आप एक काम करें, हमारे साथ ही आ जाएं। पहले हम आप ही को ड्रॉप करेंगे और फिर आप शॉपिंग कर लीजिएगा। नहीं, तुम मेरे साथ जाओगे। वैसे भी फातिमा तो अक्सर अपनी पॉइंट मिस कर देती है ना, और फिर दूसरों के लिए मुसीबत बनती है। चलिए दो रास्ते, तुम, मैं खुद ही चले जाऊंगी। आप ही बात सुने, आप ही। मामा क्या हो गया, ग्रोसरी तो दिन में किसी भी वक्त आ सकती है। पहले भी तो आप ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज करती रही है ना, अब फिर कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? राफेल प्लीज, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी फातिमा की गाड़ी एक दो दिन में आने वाली है ना, जब तक अगर वो रिक्शा टैक्सी कर लेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। छप, तुम जाओ, जाके गाड़ी में बैठो, मैं पर्स लेके आती हूँ। पति चले गए? जी, वो फातिमा चली गई है और राफेल ग्रोसरीज के लिए मुझे लेके जा रहा है। फातिमा चली गई? कैसे गई है वो? पता नहीं, कैब लेके चली गई होगी। तहमीना बस कर दो, फातिमा बच्ची नहीं है, मैच्योर हो गई है वो। तुम्हारे रवैये की वजह से वो दिन ब दिन नेगेटिव होती जा रही है। जी, यही सिला तो मिलना था मुझे कि वो मेरे साथ नेगेटिव हो जाए। तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब से राफेल आलिया ने जन्म लिया है, तुम्हारा रवैया उसके साथ बदल चुका है। और मेरी कुर्बानियों का क्या, जो मैंने उसे नई जिंदगी दी, इतनी रातें अपने दिन कुर्बान किए उसके लिए। कुर्बानी देने का वक्त ना अब है, जब उसे समझ है सही की भी और गलत की भी। मैं तो उसे छोटा सा काम भी कह दूं तो आपको बुरा लग जाता है और आपकी लाठी का मुंह बन जाता है। उसके साथ नाइंसाफी जो हो रही, पर तुम जानबूझ के मेट नहीं रखती। फातिमा फ्री में तुम्हें मेट मिल गई। फातिमा की पढ़ाई बहुत टफ है, प्लीज तुम आज ही मेट और खानसामा रखोगी, और आज के बाद ना ही आलिया काम करेगी और ना ही फातिमा। प्लीज उन्हें पढ़ने दो सुकून से। Understood?